أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students and viewers, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah As you know, we are discussing 12th class history chapter The Vijayanagara Kingdom or the new architecture Hampi Today we will continue this topic and today our topic is अर्बन कोर जहाँ तक अर्बन कोर का ताल्लुक है जो आप विजयनगरा का मैप इस स्लाइड में देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट अर्बन कोर जो था वो साउथ ईस्ट में था अकॉर्डिंग तो दौरते बार बुरा जो कि पुर्तगाली ट्रैवलर था वो कहते हैं कि जो हमें रूनस मिले हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है विजयनगरा का जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम विजयनगरा था विजयनगरा एम्पायर भी एम्पायर का नाम भी था वहाँ पर जो अर्बन कोर है उसमें कौन कौन से हिस्से थे यानी कौन कौन से प्लेसेस थे तो पहला जो है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो है चाइनीज़ प्रोकलिन यानी प्रोकलिन इसके माने है यूटेंसिल्स चाइनीज़ प्रोकलिन हमें मिले हैं इसका मतलब है कि इस इलाके में रिच लोग हुआ करते थे और ये भी कहा गया है जो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनस लोगों को एक जो सिटी थी उसको अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनस डिवाइड किया गया था अलग अलग स्ट्रीट्स में तकसीम किया गया था कि एक स्ट्रीट में मिसाल के तौर पर कारपेंटर्स रहते थे दूसरे स्ट्रीट में बारबर्स रहते थे तीसरे में किसी और ऑक्यूपेशन के लोग रहते थे इस तरीके से जो अर्बन कोर था इस तरीके से डेवलप किया गया था तरतीब दिया गया था कहाँ विजयनगरा सिटी में विजयनगरा एम्पायर में तो वहाँ पर हमें चाइनीज़ प्रोकलेंस भी मिले हैं यानी चाइनीज़ यूटेंसिल्स में मिले हैं या नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में रिच लोग रहा करते थे इसके अलावा हमें इस कस्म के मिसाल एक स्लाइड दिखाएंगे हम आपको ये आप स्लाइड देख सकते हैं कुछ पीसेस हमें मिले हैं उन बर्तनों के इसका मतलब है कि वहाँ पर जो लोग ज़्यादातर रिच लोग रहा करते थे इसके बाद टॉम्बस हमें मिले हैं मॉस्क्स मिले हैं इसका मतलब यहाँ पर मुस्लिम रहा करते थे यहाँ पर मुसलमान टेम्पल्स और मंदिर मिले हैं इसके मतलब यहाँ पर हिंदू लोग भी रहा करते थे उनके भी हमें मिले ये आप देख सकते हैं स्लाइड में टेम्पलों के कुछ खंडरात इसके अलावा हमें वैरायटी ऑफ कल्ट्स मिले यानी मुख्त कस्म के लोग वहाँ पर रहते थे मुख्तलिफ खुदाओं की वो पूजा करते थे इसके बाद हमें वेल्स मिले हैं रेन वाटर टैंक्स मिले हैं और टेम्पल्स के इर्द गिर्द भी हमें बहुत सारे टैंक्स मिले हैं ये था अर्बन कोर के बारे में इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है द रॉयल सेंटर जो रॉयल सेंटर था जहाँ पर राजा प्रजा रहा करते थे वो कहाँ पर रहते थे वो रहा करते थे साउथ वेस्ट में वो साउथ वेस्ट में रहते करते थे साउथ वेस्ट में रहा करते थे वहाँ पर हमें दो एक टेम्पल्स मिले हैं एक पैलेसेस मिले हैं जो टेम्पल्स हमें मिले हैं वहाँ पर क्या करते थे रिचुअल फंक्शंस हुआ करते थे और जो टेम्पल्स हमें मिले हैं वो है मैनजोरी के हैं वो पत्थरों के मिले हैं वो पत्थरों के बने हुए थे जहाँ तक पैलेसेस का ताल्लुक है तो वो पेरिशेबल मटेरियल से बने हुए थे सुपर कल्चरल थे यानी उनके ज़्यादा हमें एविडेंस नहीं मिले हैं क्योंकि वो
लकड़ी के बने हुए थे, पेरिशेबल मटेरियल के बने हुए थे। जब ये किंगडम विजयनगर ख़त्म हो गई तो उसके साथ वो पैलेसेस भी ख़त्म हुए। इसके लिए इनके बारे में ज़्यादा मालूम हिस्टोरियंस को नहीं मिले हैं। जहाँ तक उनकी तादाद का ताल्लुक है तो 30 मिले हैं। टेम्पल्स की तादाद, चूँकि टेम्पल्स पत्थरों के बने हुए थे इसलिए टेम्पल्स जो मिले हैं हिस्टोरियंस को 60 मिले हैं। इसके बाद है द महानामी डिब्बा। महानामी डिब्बा, जैसे महानामी को मालूम है जो 9 डेज होते हैं वो पूजा के देवी की, और 10वें दिन फिर दशहरा होता था, दशहरा होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, यानी जो ये मिला है इसके बाद में, इसके बारे में कहा गया है कि वहाँ पर क्या होते थे। ये 2 मंजिला इमारत होती थी, नीचे वाले जो है वो पत्थर की थी, ऊपर वाले जो थी वो लकड़ी की बनाई हुई थी। इसलिए ऊपर वाला जो हिस्सा वो ख़त्म हुआ, डिमोलिश हुआ है, नीचे वाला हिस्सा उसके खंडरात हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं, ये महानामी डिब्बा आप देख सकते हैं। ये जो है ये महानामी डिब्बा का फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड वाला फ्लोर जो है वो जंग की वजह से जब ये सिटी ख़त्म हो गई तो वो ख़त्म हो गई ऊपर वाला हिस्सा। क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो था वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए वो ख़त्म हुआ। नीचे जो वाला जो हिस्सा ये पत्थरों का बना हुआ, ऊपर वाले हिस्से में कहते हैं कि ऑडियंस की रहा करते थे, ऑडियंस की परफॉर्मेंस होती थी। तो इसके बारे में ज़्यादातर मालूम हमें नहीं है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं ये जो कुछ निशान कुछ डॉट्स मिले हैं, इसके मतलब यहाँ पर लकड़ी के पिलर्स थे, लकड़ी के पिलर से। दूसरा जो स्टोरी थे वो लकड़ी के पिलर से, वहाँ पर क्या पर कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते थे इसके बारे में मालूमात नहीं मिल रही है। महानामी डिब्बा का सेकंड फ्लोर जो है उसमें कौन से परफॉर्मेंस, यानी कौन से परफॉर्मेंस हो रही थी इसके बारे में ज़्यादातर मालूम हिस्टोरियंस को नहीं मिले। और जो ये स्लॉट्स आप देख रहे हैं इससे पता है, खाली ये 9 इसमें दिखाए गए हैं, वहाँ 9 दिखाए गए हैं इसमें जो आप स्लाइड देख सकते हैं, लेकिन 9 नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। कि ये पिलर्स यहाँ पर शायद लकड़ी के खड़ा होते, इन पर दूसरा मंजिला था, वो दूसरा मंजिल चूँकि अटैक की वजह से ख़त्म हुआ है इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं। इन्हें सेकंड फ्लोर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द वुडन पिलर से बना हुआ था, और फ्री स्पेस भी इनके पास थे। फंक्शंस के बारे में हमें मालूम नहीं है कि इसमें क्या फंक्शंस हुआ करते थे। जहाँ तक इसके बेस का ताल्लुक है, जो बेस की बनी हुई है जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, तो इसके जो बेस का है वो है 11,000 स्क्वायर फुट। जहाँ तक इसकी हाइट का ताल्लुक है, हाइट है 40 फीट। तो फंक्शनस जो महानामी डिब्बा में होता है कि पहले पता है कि ये सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है, जो उनकी 10 दिव्यां होते हैं, उनके अलग गॉड्स गॉड्स उनकी पूजा की जाती है 9 दिनों बराबर, और 10वें दिन दशहरा होता है। ये नॉर्थ इंडिया में होता है, वेस्ट में होता है, और पेनिनसुलर इंडिया में है, पेनिनसुलर इंडिया में यानी साउथ इंडिया वगैरह इस इलाके में भी ये दशहरा वगैरह मनाया जाता है। इसके अलावा है फंक्शनज ऑफ महानामी। जहाँ तक फंक्शनज के माने हैं, फंक्शनज में क्या होता है आपको मालूम है, फसलों की कटाई के बाद मुख्तलिफ देवियों की पूजा की जाती थी 9 दिन अलग अलग, जो उनके गॉड्स होते हैं, 10वें दिन दशहरा फिर मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में इनको अलग अलग नाम, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग रीजनों में दिया जाता है इस दशहरे को। इसके बाद है सुरमिनीज, क्या क्या सुरमिनीज मनाई जाती है। सरमनी, पहली सुरमनी जो मनाए जो होते हैं वो है अमेज वारशिप, जो इनके वो गोडेज वगैरह होते हैं इनकी वारशिप की जाती है, इनकी वारशिप की जाती है, इनकी पूजा की जाती है, इनकी इबादत की जाती है। इसके अलावा सेक्रीफाइज, वहाँ पर एनिमल्स की सेक्रीफाइज भी दिया करते हैं। और प्रोसेशनस, यानी लोग कतारों में खड़ा होते हैं, लोग लाइनों में खड़ा होते हैं,
वर्शिप होती है, यानी चीफ ऑफ नाइकस जो होते हैं उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, इंस्पेक्शंस ऑफ द आर्म्स हुआ करते थे, ये फंक्शंस इस दिन हुआ करते थे। इंशाल्लाह कल हम एक और नया टॉपिक इसी विजयनगर किंगडम का लेकर इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।